नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 31 मार्च 2020 जो है वो तारीख है। कल यानी कि 30 मार्च को एक न्यूज़ जो है वो प्रकाशित हुई थी लॉकडाउन के संबंध में। न्यूज़ है कि 18 अप्रैल से 31 मई तक दूसरा लॉकडाउन यदि हो तो हालात जो है वो सामान्य होने के संकेत हो सकते हैं। मैं भी आपको आज की भी न्यूज़ दिखाऊंगा। तो ये न्यूज़ जो है वो कल प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर 31 मई तक जो है वो एक संभावना जो है वो व्यक्त की गई थी। 31 मई तक होने का मतलब यह है कि यदि आपकी जो डीएलएड परीक्षाओं की मैंने बात की थी वो फिर आपकी जून माह में यहाँ से यदि बात की जाए तो हो सकती हैं, और ज़्यादा जो है वो समय पड़ जाएगा। इसमें लिखा हुआ था कि स्वास्थ्य प्रबंधन, लॉजिक्स और फाइनेंस से जो जुड़े विशेषज्ञ हैं उनकी जो एक समिति है उसने मई में दूसरे लॉकडाउन की सिफारिश जो है वो की है, और इस सिफारिश के चलते हुए काफ़ी सोशल मीडिया पर भी जो मैसेज है ये वायरल हो रहा था कि क्या जो लॉकडाउन है सेकेंड वो फिर से जो है वो आएगा या इसी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसी के संबंध में यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं कि 18 से 31 मई जो है उस तक दोबारा लॉकडाउन की सिफारिश की गई है। बात करते हैं आज की न्यूज़ की, यानी कि 31 मार्च 2020 की न्यूज़ की। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, पहले ही पेज पे यदि आप पढ़ेंगे नई दिल्ली का जो है वो न्यूज़पेपर, फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है कि लॉकडाउन जो है वो बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। ये स्थितियों को देखते हुए जो है किसी भी प्रकार का जो है वो जो निर्णय है वो लिया जाता है। यदि स्थिति आगे चलकर जो है वो और ज़्यादा जो है वो बिगड़ती चली गई तो हो सकता हो कि लॉकडाउन जो है वो सेकंड की बात जो है वो की जाए, परंतु वर्तमान में स्थिति को देखते हुए इन्होंने ये कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने का बिल्कुल भी कोई भी इरादा जो है वो नहीं है। हालांकि जो मामले हैं उनकी संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसमें सुधार जो है वो नहीं आ रहा है। बाहर से कुछ कंट्री हैं जैसे कि चाइना, उसमें अब काफ़ी सुधार जो है वो देखने को मिला है। तो यदि सेकेंड लॉकडाउन होगा तो आपकी डीएलएड की परीक्षाएं जो है वो और आगे जो है वो मई जून तक जो है वो जा सकती हैं। वैसे जैसे जैसे संभावना बढ़ रही है तो अनुमानता अब यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है कि अप्रैल माह में परीक्षाएँ जो डीएलएड की हैं वो होना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और मई माह में जो है वो होने के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा जो सुपरटेट की परीक्षाएं हैं उसके संबंध में यदि बात करें तो उसका जो परीक्षा है वो और ज़्यादा जो है वो लेट हो सकती है। इसलिए क्योंकि अभी आपकी 69,000 वाली जो शिक्षक भर्ती है वो कम्प्लीट होगी, उसमें समय लगेगा, तो हो सकता है उसमें एक लंबा अरसा जो है वो लग सकता है। तो यही था हमारी आज की न्यूज़ में। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।